वेलकम बैक गाइस। यार हमें अपनी लास्ट वीडियो में दो नंबर्स का एलसीएम निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम दो नंबर्स नहीं, मल्टीपल डिजिट्स लेंगे एक नंबर के और उनको ऐड करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में हम डिजिट ऑफ सम करेंगे, ठीक है? तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेलकम बैक गाइस। तो यार आपने मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखी होगी, इसमें मैंने आपको दो नंबर का एलसीएम निकालना सिखाया था, जो मेरे इंटरव्यू प्रीलिम्स की फोर्थ वीडियो थी। यार ये वीडियो में जैसे हमें कोई नंबर एंटर कर रहा हूँ, मान लो 345, तो इसमें हम क्या करेंगे, उस नंबर का सम ऐड कर लेंगे, 3 + 4 + 5 जो आपका आएगा 12, तो आपको आउटपुट में ये मिलेगा, ठीक है? तो इस चक्कर में मैं बताना चाहता हूँ कि आपको सिंपली इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे पाइथन के हेल्प से, क्योंकि ये क्वेश्चन है इंटरव्यू पूछे जाएंगे। आपको कोई नंबर दे रहा है, मतलब 5, 6, 10, 10 डिजिट का नंबर दे रही है, 10 डिजिट का नंबर, उसका सम निकालना है, नंबर ऑफ डिजिट्स का सम निकालना है, तो बहुत टाइम लगता है निकालने में। पाइथन प्रोग्राम ने नंबर एंटर किया और आपको मिल जाएगा आउटपुट उसका, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। सो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कैसा आपका ये कोड होगा। और इससे पहले, इस वीडियो को पूरा देखने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने मेरा लास्ट पाइथन प्रोजेक्ट नहीं देखा, जो कि था बीएमआई कैलकुलेटर, जाकर उस वीडियो को देखो, उसका लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगा, तो आई बटन से उस वीडियो को देखो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। और फिर भी नहीं मिलता तो चैनल तो आपके पास है ही, तो चैनल से जाकर आप देख सकते हो। ओके, तो चैनल से जाकर आप वीडियो देख सकते हो, और वीडियो नहीं देखी सारी देखो, अच्छा चैनल चल रहा है, बहुत अच्छी वीडियोज आ रही हैं आप लोगों के लिए, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे एक नई पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। मैं पाइथन फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ और जिसका नाम होगा इंटरव्यू 5, क्योंकि 4 हो चुकी हैं, ये 5वीं है वीडियो, ठीक है? तो यार कुछ नहीं करना, छोटा सा काम है। कितना लंबा कोड होगा अज्यूम कर सकते हो अपने हिसाब से, बताओ अगर आपके दिमाग में आइडिया होगा। बेसिक गिनती का ये 5 से 6 लाइन कोड हो सकता है, ठीक है? तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले एक यूज़र से इनपुट करेंगे। इनपुट कैसे कराते हैं आपको मैंने बता रखा है, इंटर लेके यहाँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में आपका इनपुट होता है, तो बट हमको नंबर चाहिए, तो या तो इंटीजर लेंगे या फ्लोट लेंगे। आप फ्लोट ले सकते हो अगर आपको कराना है, बट मैं फ्लोट या इंटीजर नंबर लूँगा, क्योंकि डेसिमल में फिर वो थोड़ा सम ऑफ डिजिट का थोड़ा अलग सीन हो जाएगा, ठीक? तो मैं इनपुट करा रहा हूँ, एंटर द नंबर विच हुज डिजिट्स यू वांट्स टू ऐड, मतलब मैं पूरी कमांड दूंगा यार, अच्छी सी अच्छा लगना चाहिए ना, कोड समझ आना चाहिए क्या कर रहे हैं, कोड में क्या करना चाहते हैं। तो उसमें लिखा है कि एंटर द नंबर हु डिजिट्स यू वांट टू ऐड, ठीक है? अब इसमें ये होगा, जब इसको करंट करोगे ना आप एन को, तो आपका जो नंबर मांग लेगा यूज़र से, एक वेरिएबल है ना टोटल नाम का, जिसमें मैं सारे सम ऑफ डिजिट्स ऐड करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट अभी टोटल तो कुछ है नहीं, तो उसकी वैल्यू मैंने 0 रख दी, तो बाय डिफॉल्ट आपकी टोटल की वैल्यू है क्या, 0। यार ये बहुत जरूरी स्टेप्स हैं, आपको बेसिक आना चाहिए कि भाई कैसे इनपुट कराते हैं, कैसे किसी वेरिएबल को वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं एक वाइल लूप से। इसके और तरीके भी, बहुत तरीके हैं कि आप नंबर पहले ही गिवन कर दो, लाइक वाइल एन इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ मैं, ठीक? और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ कि डिजिट जो भी मेरा होगा, डिजिट मैं जो भी ले रहा हूँ, ठीक है, इसे करूँगा एन मॉड, और यहाँ पे मैं लूँगा 10। यार मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू लिया, मेरे को इज इक्वल टू लिया, इज करना चाहिए कि यार मेरा एन 0 से बड़ा है, कंडीशन ये थी, मैंने इक्वल टू ले लिया। इक्वल टू 0 होगा तो नंबर जब 0 के बराबर, तो आपका लूप चलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे एन कंडीशन कह रही है क्या 0 से नंबर बड़ा है, क्या नंबर पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि 0 से बड़ा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, 0 से छोटा नेगेटिव नंबर होगा। चेक करेंगे क्या नंबर आपका पॉजिटिव नंबर है, अगर हाँ तो वाइल लूप में आए, वाइल लूप पहले स्टेट में डाली डिजिट, जो भी डिजिट की वैल्यू आएगी वो कहेगी एन मॉड 10। मान लो मैंने नंबर लिया 410, 410 मॉड 10 क्या बचा, 4, जो मेरी आपका बचेगा वो आपका डिजिट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब कर दो टोटल, क्या था 0, अब इसमें करूँगा टोटल प्लस डिजिट, मैंने कमांड टोटल प्लस डिजिट, जो 0 प्लस डिजिट की जो वैल्यू आई मेरी एन मॉड 10 से, वो यहाँ पे टोटल में जाकर स्टोर हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना, एन इज इक्वल टू एन, ये आपका इंटीजर का डिवीजन है, अगर आप इसमें सिंगल डालोगे ना तो आपको आउटपुट फ्लोट में मिलेगा, आपको डेसिमल में आउटपुट मिलेगा, बट जब आप डबल डाल लोगे आपको आउटपुट इंटीजर में मिलेगा। ये डिफरेंस मैंने आपको अपनी वीडियो में बता रखा है, अगर आपने नहीं देखी तो मेरी हिंदी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन में डाल चुका हूँ, बट वहाँ नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल पर जाकर लिंक सर्च कर सकते हो वीडियोस का, ठीक है? एंड अब लास्ट चीज़ है, एक प्रिंट कमांड दूंगा, क्या दूंगा, द टोटल सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर इस, और मैं यहाँ पे, यार मैंने आपको बोला था लास्ट एक वीडियो में कि मैं इसको ऐसे करूँगा, कॉलन ज़रूर लगाऊंगा, तो भाई माननी पड़ेगी अपनी बात खुद को मेरे को, क्योंकि करना है काम तो करना पड़ेगा ना, ठीक है? और यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा टोटल, बस
ये था आपका 7 लाइन का कोड जो मैंने कर दिया है, नंबर ऑफ सम को ऐड करना। इसको रन करते हैं, मेरे को सम निकालना है 428 का, ठीक। सम आने से 14, 4 + 2 = 6, 6 + 8 = 14, और मेरे को आउटपुट मिल रहा है 14। कितना अच्छा कोड लिखा है। अब थोड़ा इसको और अच्छा कर लें एंड, क्योंकि फर्स्ट डिजिट कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। वैसे आपको ऊपर करना ही नहीं करना, सिंपल सा कोड था। मान लो मेरे को वर्ड नंबर दे दो रैंडमली कुछ भी, ठीक है, तो आपको मिल गया। चेक करके सकते हो, 2 + 5 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 4 = 12, और 12 + 3 = 15, 15 + 9 = 24, और 24 + 0 = 24। तो आउटपुट आ गया। अब एक कंडीशन और चेक करते हैं, क्या माइनस कुछ भी लिख देता हूँ। माइनस में सम नहीं देगा, आप कंडीशन डाल सकते हो कि इफ एल्स का कंडीशन डाल सकते हो कि माइनस में आपको काउंट ही नहीं करना, तो इसलिए मैंने कर रखा है। आपके हिसाब से आप इस कोड को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर नहीं हो तो आपसे कोड मॉडिफाई माइनस के कंडीशन में, तो मुझे बताना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा क्योंकि एक कंडीशन को सॉल्व करने में कैसे कंडीशन सॉल्व होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दूसरे से शेयर कर देना। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा दो। और जिसने मेरी लास्ट प्रोजेक्ट वीडियो नहीं देखी जो कि थी मेरे BMA कैलकुलेटर को, जरूर देखो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू गाइज़।